बताएं जैन साहब, आज का जेम्स। बिल्कुल अनिल जी, वाकई में जेम है। और कई बार कोई स्टॉक को ढूंढते ही ऐसा लगता है कि ये स्टॉक इतना सस्ता कैसे, और इतनी पुरानी कंपनी बॉम्बे में जो रहते हैं वो तो जानते ही है, और ओवरऑल बहुत मतलब बेहतरीन कंपनी है, धर्मसी मुरारजी केमिकल कंपनी लिमिटेड, मतलब DMCC के शॉर्ट फॉर्म के नाम से जानी आप। 1919 से कार्यरत है और इंडिया का फर्स्ट सल्फरिक एसिड का प्लांट प्रोड्यूसर है ये इंडिया के, और फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स। तो ओवरऑल इतने साल तक ये कंपनी काफी हद तक फर्टिलाइजर के कंपनी के नाम से या उस पर्टिकुलर ब्रांडिंग से चल रही थी, और उनका शिप बोल के ब्रांड अब बहुत फेमस है इंडस्ट्री में। और अब इन्होंने अपने आप को रिस्ट्रक्चर किया या रीब्रांड किया है, तो ओवरऑल अब स्पेशलिटी केमिकल्स के तरफ भी इनका नाम लिया जाता है। सो एंड स्पेशलिटी केमिकल्स हम देख रहे हैं किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, सो आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड जिस तरीके के फंडामेंटल्स है। इतनी पुरानी कंपनी, इतना कॉन्फिडेंस, अच्छा प्रोमोटर बैकग्राउंड, और सेगमेंट ऑलरेडी वेरी हॉट, क्योंकि पूरे लॉकडाउन के दौरान भी ये लोग बहुत अच्छा काम किए हैं एंड बहुत अच्छे परफॉर्मेंस थे। और आप ये बढ़िया, एक और चीज है कि ये करीब 25 कंट्रीज में, 5 कॉन्टिनेंट्स में एक्सपोर्ट्स भी करती है अपने प्रोडक्ट्स को, सल्फर एसिड और ये सारे। अब अगर फंडामेंटल्स पे आते हैं तो आप देखिए 352 करोड़ की सिर्फ कंपनी है, 350 करोड़ की कंपनी, पी मल्टीपल सिर्फ 9.5, उसके सामने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 24-25, और पिछले 3 साल का भी रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो 30 के लगभग का रहा है। सो ओवरऑल 30-34 के बीच में रिटर्न ऑन इक्विटी को मेंटेन किया, डेट्स नेग्लिजिबल। उसके सामने ग्रोथ आप देखिए फैंटेस्टिक, पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर है 22-23%, 5 साल की प्रॉफिट की कैगर करीब 15%, और सेल्स की कैगर भी 9-10%। डिविडेंड देती है, बहुत ज्यादा डिविडेंड यील्ड बड़ा नहीं है, बट ओवरऑल जिस तरीके के फंडामेंटल्स पे बैठी है, जिस तरीके की ये कंपनी है, आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड। और देखिए आप सितंबर का क्वार्टर का रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो पिछले सितंबर में 4 करोड़ का प्रॉफिट था सिर्फ, इस सितंबर में 12 करोड़ का, जून में 5, मार्च क्वार्टर में 7 और दिसंबर क्वार्टर में 13। सो ओवरऑल अगर TTM बेसिस पे देखें तो वन ऑफ द बेस्ट इयर्स था इस कंपनी का लास्ट ईयर। और उससे भी बढ़िया मुझे नेट प्रॉफिट मार्जिन और OPMs बहुत बढ़िया लगे, OPM भी करीब 19% के लगभग, और नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए करीब 16-17% का नेट प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम करती है। सो मुझे लगता है ये बहुत इजीली 190-200 के टारगेट्स आने वाले 3 से 6 महीने में अचीव कर सकते।